क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, शैफाली के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स की डिस्कशन है। इसके दोनों के मार्क्स का जो सम है, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम है वो 30 मार्क्स है। तो सपोज मैथ्स में इसको एक्स मार्क्स मिले और इंग्लिश में कितने मिले, 30 - x मार्क्स। देखो बेटा, अगर इसमें एक्स मिलेंगे तो रिमेनिंग किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे। तो दोनों का सम 30 है तो इंग्लिश के मार्क्स निकालेंगे 30 - x। अब इसे कंडीशन दे रखी है कि भी अगर मैथ्स के अंदर 2 मार्क्स ज्यादा आते, यानी कि x+2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, यानी कितने आए अभी 30 - x आए ना, इसमें 3 कम कर दो। इसे खुद ने कहा 3 मार्क्स तो कम आते, तो 30 - x तो ऑलरेडी है, -3 कर दो, कितना आ गया 30 - 3 क्या 27 - x। तो इसमें बोला है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब x+2 × 27 - x, इसकी वैल्यू 210 है। बात समझ में, मैथ्स के मार्क्स सपोज एक्स है तो इंग्लिश के कितने होंगे 30 - x, तो दोनों का सम कितना है 30 मार्क्स। फिर सिचुएशन बताइए इसमें कि मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 210। करो आप मल्टीप्लाई, एक्स को इससे करो कितना आएगा 27 x, एक्स को इससे करो -x², 2 को इससे करो कितना आया 54, 2 को इससे करो माइनस का 2x, और 210 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो माइनस का हो जाएगा। फाइनली हमारे पास -x² 27x एंड -2x 25x। ध्यान से, माइनस का 210 और 54 माइनस के बचेंगे कितने, 10 में से 4 गया 6 या 0 10, ये हमारे पास 5 156 मार्क्स इक्वल्स टू 0। अब बेटा इसमें माइनस यहां पर है ना, तो साइन चेंज कर दो आप, बेटर रहेगा। x² - 25x और ये हमारे पास +156 = 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो a = कितना हो गया 1, b = -25 और c = हो गया 156। ये एबीसी कैसे लिखते हैं पता है आपको, देखो x² का कोफिशिएंट होता है वही होता है, कोफिशिएंट का मतलब इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, x² के अलावा कितना 1 है, ये 1 हो गया। इसमें x के अलावा कितना लिखा हुआ है -25, तो b की वैल्यू -25, और इसमें विदाउट x मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी है, वो c की वैल्यू होगी 156। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए इसमें, therefore x = -b + -b² - 4ac / 2a। वेरी सिंपल, माइनस का 25 b की वैल्यू प्लस माइनस b स्क्वायर मींस -25 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 156 अपॉन 2a। ये -25 का माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 25 प्लस माइनस बी सिंसियर -25 का स्क्वायर 625। अब यहां देखो ये माइनस है ना, कितना हुआ 4 × 6 = 24 है ना, 2 बच गया 20 और 2 कितना 22, 2 बच गया 4 × 4 = 6 अपॉन ये 2। अब कैलकुलेशन देखें ढंग से, x = 25 ऑलरेडी है मेरे पास यहां पर, प्लस माइनस 625 - 624 1 आ गया, और 1 का रूट कितना होगा 1 अपॉन ये 2। उसके दो पार्ट्स कर लो आप, कौन कौन से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 25 प्लस 1 अपॉन 2 एंड x = 25 -1/2, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 26/2 दैट इज 13, और यहां पर x = कितना हो गया 24/2 दैट इज 12। यानी कि आपके मैथ्स में मार्क्स अगर 13 आते हैं तो x किसकी वैल्यू है, मैथ्स के मार्क्स की है, तो मैथ्स में आ गए 13 मार्क्स। तो आपके इंग्लिश में कितने आएंगे भाई, इंग्लिश कितना है 30 - x मीन 30 - 13 That equals to 17 marks आएंगे। ये केस अगर हो जाए
तो मैथ्स में अगर आपके आ गए 12 मार्क्स तो इंग्लिश में कितने आएंगे, इंग्लिश में आएंगे 30 माइनस 12 दैट इक्वल्स टू 18 मार्क्स। ये हमारे पास कैलकुलेशन है। दो केस बनेंगे, मैथ्स में 30 आ जाए तो इंग्लिश में 17, और इसमें अगर मैथ्स में 12 आए तो इंग्लिश में कितने होंगे 18। देयर आर टू केसेस। तो क्वेश्चन क्या था, मैथ्स और इंग्लिश के कंबाइंड मार्क्स कितने थे, 30 थे। तो अगर मैथ्स के मार्क्स एक्स सपोज करते हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस एक्स। तो कंडीशन क्या दे रखी है, अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आते और इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम आते तो 3 कम कर लो इसके अंदर, 2 इसमें बढ़ा दो। तो 30 माइनस 3 कितना 27 माइनस एक्स। तो इसमें क्वेश्चन ने बोला है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 210 होता है। फिर हमने सिंपलीफाई किया, एक्स की वैल्यू निकली। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज इंसर बेटा एक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट्स बहुत फास्ट मिल सके। ओके।